आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आगरा में दलितों का उत्पीड़न जारी है तो दबंगों ने दलितों को सिर्फ पानी भरने से नहीं रोका तो वहीं उनके बर्तन भी फेंक दिए। इतना ही नहीं, दलितों ने जहां पुलिस से शिकायत की तो परिणाम भुगत लेने की धमकी भी दी गई। मामला पिनाहट के सिकतारा का है। यहां वाल्मीकि समाज के लोगों का आरोप है कि उनके पास के हैंडपंप से उनको पानी भरने नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं परिवारों के सामने पानी का संकट पैदा हो गया है जिसके चलते वे लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हमारी ये समस्या है, जब वो पानी भरने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं बंगी हो, तुम्हारे लिए पानी नहीं है, हमारे बर्तनों को खराब करते हो, तुम अपना दूसरा हैंडपंप लगाओ, हम तुम्हारी कब तक बर्दाश्त करेंगे। समस्या ये है कि मैं यहाँ आया, इन्होंने कई बार फ़ोन किया कि ऐसी समस्या है, पानी नहीं भरने दिया, तो जब मैं आज यहाँ आकर के मैंने पंचायत लगाई, पंचायत में जानकारी पड़ी कि ये लोग छुआछूत के कारण पानी नहीं भरने देते। जो हैंडपंप आए हैं उन हैंडपंपों में भी इन्होंने सरकार अपनी सबमर्सिबल डाल रखी है जो नाजायज है। सरकारी विद्यालय क्या स्थिति है? सरकारी विद्यालय 2 कदम की दूरी पर है जहाँ ये पानी भरने के लिए आते हैं, लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद तुरंत इसमें ताला डाल दिया जाता है ताकि ये लोग पानी नहीं भरने दे पानी नहीं भरें। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में 2 पशुओं की हत्या के मामले में पुलिस पहुंची तो आरोपियों ने हवाई फायरिंग कर दी तो साथ ही सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ की। इसी के साथ पुलिस कर्मियों से मारपीट और पथराव कर 3 आरोपियों को छुड़ा लिया। तो वहीं मौके पर एसपी सिटी ओमवीर सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। श्रावस्ती के सिरसिया के अंतर्गत सोमपति आश्रम में दोस्तों के संग घूमने गए 20 वर्षीय रोहित की पहाड़ी नाले में नहाने के दौरान डूबकर मौत हो गई। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला है तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मानवता को शर्मसार करने वाला मामला मथुरा में सामने आया जिसके चलते मार्ट चौकी पर तैनात कांस्टेबल ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तो हेड कांस्टेबल की शादीशुदा बेटी अपने पिता के साथ चौकी में ही रुकी थी जिसमें अब आरोपी ने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। तो पीड़िता की शिकायत के आधार पर SSP ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है तो वहीं हिरासत में भी लिया गया है। इस संबंध में लड़की की सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लड़की का मेडिकल कराकर आगे कार्रवाई की जा रही है और दोषी हेड कांस्टेबल रौनक वेतन मांग को अरेस्ट किया गया है, उन्हें निलंबित भी किया गया है, विवेचना जारी। मथुरा के वृंदावन में एक महिला ने भागवत आचार पर जबरन शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया तो वहीं उसकी फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। अब समाज से भी लक्ष्मी गौतम ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने की पहल की है। अमरोहा में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर SP ब्रजेश सिंह ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया। इसी के साथ अपराध नियंत्रण पर जिले भर में की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रस्तुत किया गया। हाथरस में नौकरी के नाम पर देह व्यापार कराने वाले युवक को क्षेत्रीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया तो मौके से लड़के सहित देह व्यापार के संचालक को हिरासत में लिया गया। ये लोग यहाँ बीते 10 दिनों से व्यापार को कर रहे थे तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई की है। ये सही है कि एक पुरुष को, एक आदमी को कुछ पब्लिक वहाँ के आसपास लोगों ने थाने में दिया है, उनसे बातचीत पूछताछ हो रही है, पूछताछ में जो तथ्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के कोतवाली क्षेत्र में कंप्यूटर पार्ट की दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जिसमें 3 लाख रुपये सहित लैपटॉप पर चोरों ने हस्तक्षेप किया। इसी के साथ चोर CCTV कैमरे का DVR भी ले गए। ये देव कंप्यूटर शॉप है जिसके मालिक हैं आशीष सिंह जी और चप्पल वाली गली में इनकी दुकान है, जहां बता रहे हैं कि 3 दिन से इनका कैश जो है वो एक गुल्लक में दुकान के अंदर ही रखा हुआ था, इसमें 3 लाख रुपए की धनराशि थी। वह शटर का ताला खोलकर और चोरी कर लिया गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके और इसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। पीलीभीत के बीसलपुर में झोला छाप डॉक्टर के उपचार से एक युवक की मौत हो गई तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी जिस पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो वहीं मामले की पड़ताल जारी है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज।